अभी बजने वाले है 1 रात के। हर्षित तो सोया है तो सोचा एडिटिंग का काम भी कर रही हूँ, और बाकी पर्दा वर्दा निकाल के रख देती हूँ, बेड वगैरह क्लीन करके रख देती हूँ। सुबह सुबह आधा काम हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो सोचा एडिटिंग भी हो जाएगा, बाकी का काम भी हो जाएगा। इसको कहते हैं समय की बचत। हेलो गाइस, अभी क्या 1 बजने वाला है। सो मॉर्निंग हो गया है ऑलरेडी, और मैं इतनी रात को ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, तो मतलब ब्लॉग रेडी कर रही थी आज के लिए, और एडिटिंग कर रही थी, और होने के लिए थोड़ा सा टाइम मतलब लगता है, तो उसमें से बेड वगैरह ठीक किया और कार्टन वगैरह, इस रूम का कार्टन निकाल दिया, और कल मॉर्निंग हर्षिता उठने के बाद उस रूम का करूँगी। सुबह सुबह जल्दी जल्दी कपड़ा वगैरह धो दूँगी ना, तो ज़्यादा मतलब दिन में इतना टाइम नहीं मिलता है, और भी एक्स्ट्रा काम भी होता है, यूट्यूब का काम भी होता है, तो थोड़ा सा मतलब रात को ही जितना हो सकता है काम कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। अभी हर्षिता उठेंगे तो बहुत ज़्यादा तंग भी करता है, अभी वो फ़िलहाल सोए हुए हैं, तो मैं सोचा बेड वगैरह क्लीन करके रख देती हूँ अभी, क्योंकि उसके पापा तो अभी सोएंगे नहीं, तो इसीलिए पर्दा वगैरह निकाल के रखी हूँ। कल सुबह सुबह उठ के सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो चलो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब चारों के साथ ज्वाइन कर लीजिए, और बिना स्किप किए देखने की कोशिश कीजिए। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी है करके, मैं ब्लॉग तो रेडी हो गया लेकिन हाँ अपलोड करना बाकी है, थंबनेल बनाना बाकी है, तो वो सब करके अपलोड करके अनलिस्टेड करके सो जाती हूँ। कल सुबह उठ के बाकी का काम कर दूँगी। तो चलो देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। मॉर्निंग तो हो गया है, तो सबको गुड मॉर्निंग। ब्लॉग देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अकेले के लिए ज़्यादा कुछ खाना बना बनाने का मन तो नहीं करता है, तो मैंने करेला और आलू फ्राई किया है, और अचार है ऐसे ही खा लूँगी। दाल वाल इतना बनाने की मन नहीं कर रहा था। हर्षिता के लिए बॉयल बना दूँगी। क्या कर रहे हो तुम? कुत्ती कुस्सी? ओके, खेलो खेलो खेलो, कोई बात नहीं, नहीं डांटूंगी, खेलो। बस में कौन कौन चरा है? हर्षिता चरेंगे। सुबह जल्दी जल्दी उठ के सारा पर्दा वगैरह धो दिया था जो भी विंडो का था, और मुझे इतना पेट दर्द हो रहा था, और ऊपर से ना पीछे 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 जहाँ भी जाती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ, कपड़ा धोने जाती हूँ, खाना पकाने जाती हूँ, मतलब झाड़ू लगाने जाती हूँ, पोछा लगाने जाती हूँ, पीछे 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 ये स्टूल के साथ हर्षिता पहुँच जाते हैं। इतना गुस्सा आ रहा था, और हर बात पे पूछना, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, बार बार हर एक क्वेश्चन, पापा कब आएंगे, इतना सारा क्वेश्चन, ये क्या है, ये कैसे, ये क्या, वो क्या, ओ ओ ओ उफ, मेरा इतना सर दर्द हो रहा था और बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से पेट दर्द कर रहा था, मुझे लगता था कि मेरा अभी आने वाला है हालत ख़राब होने का दिन, और ऊपर से ये मैडम टूल के साथ। मन तो करता है सारा स्टूल घर से बाहर फेंक दूँ, जहाँ कहीं भी जाता है स्टूल और उसका वो बाकेट ऐसे चले जाते हैं। और पर्दा वगैरह ना लगाए ना तो इधर उधर से दिखाई देता है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो जल्दी जल्दी पर्दा क्या है ऐसे हवा में भी सूख जाएंगे। वैसे सूखा तो है पूरा, लेकिन हाँ शायद थोड़ा सा जो भी मतलब वो जो राउंड राउंड बड़ा होता है ना ऊपर का, शायद वो शायद नहीं सूखा होगा इतना, बट वो तो सूख जाता है। और एक बात, मुझे किसी ने पूछा था कि ये कहाँ से पर्दा लाया था, मैंने अमेजोन से लाया था। और मैं पर्दे के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने जब इधर आए थे ना पहले, मतलब गांव से कुछ लाए थे, पतला पतला भलाई लाए थे, तो ना वो उन लोगों का ना जो ऊपर का जो वो राउंड वाला जो रहता है ना छेद वाला, वो ना उधर का जो वो वाइट वाला रहता है उसका कपड़ा बहुत बुरी तरीके से निकल आ जाता है, पर इसका क्या है, इतनी बार धोई हूँ ना कलर फेड हुआ
है ना, ऊपर का वो राउंड राउंड वाला निकल आया है, इतना अच्छा आया है। तो अमेजोन का ये जो प्रोडक्ट मुझे, मैंने परचेस किया था, पता नहीं थोड़ा सा शायद महंगा लिया होगा, बट महंगा नहीं है, बट कपड़ा की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप लोग उधर से मंगवा सकते हो। मैंने फ्लिपकार्ट से नहीं मंगवा था, ये क्वेश्चन ना किसी ने मुझे पूछा था, तो इसीलिए उसका जवाब दे रही हूँ। अभी इस रूम का भी मतलब लगाती हूँ, सेम ये दोनों भी, मतलब ये डार्क कलर भी मैंने अमेजन से ही मंगवाया था, और कपड़ा भी इनका भी बहुत अच्छा है। कुछ पर्दा होता है जिसको धोने से उसका जो वो जो राउंड राउंड वाला होता है ना, वो निकल आता है, बट इनका नहीं आया निकल, बार बार धोई निकल नहीं आया। खाना वाना खा के सो गए थे, फिर हर्षिता के टॉर्चर से उसको लेके आ गए थे, और गुस्सा ज़्यादा आया था, तो इसीलिए इसको कम करने का तरीका दही इसको क्या बोलते हैं? दही। खाना है, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठो, वेरी गुड, वेरी ओके 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 मामा। ये है हर्षिता का न्यू छोटू सा दोस्त, अभी एक दो दिन इसके साथ बहुत ही लगाव हुआ है, तो हर दिन बेबी भी इसके लिए वेट करते रहता है। और मैं मतलब खाने गई थी ना, तो बेबी आ गया था, और अच्छा नहीं लगता है, कोई भी बच्चा खाने के टाइम पे आता है ना, बच्चे को बिना देके खाते हैं ना, तो मुझे मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है। खा लिया बैठा, लास्ट बाइट नहीं खा पाया था, शायद उसमें चटनी था इसलिए नहीं खा पाया था। फिर हम लोग आ गए थे, उसकी मम्मी बोल रहा था कि दीदी अभी तक नहीं आया, दीदी अभी तक नहीं आया, वो लोग शायद जल्दी चले गए थे। मैं बोली हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, अकेले सब कुछ संभालना पड़ता है। और मैं हर्षिता को उधर से झूठ बोल के लाई कि पापा आपका इंतज़ार कर रहा है, पापा घर पे है, अभी वो मुझे बताएंगे कितना। और इधर छोटू मेहमान, ये हमेशा इधर ऐसे ही रहता है, कोई भी आते जाते है ना तो उसके साथ बातें करता है, क्यूट है। हमारे इधर के बच्चे का यही हाल होता है, घर के अंदर रहते रहते इसी तरीके से कब को किसी को मिल जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पापा नहीं मालूम, हाँ पापा आ रहा है, आ रहा है, पापा आ रहा है, चलो ड्रेस चेंज करो। जो पापा को ढूंढ रहे थे हर्षिता, कोई है कह के, तो बहुत मुश्किल से इसको शांत कराया, कपड़ा वगैरह चेंज कराया, पानी पिलाया, फिर टीवी पे लगा दिया, फिर चुप हो गया। तो फिर अभी खाने का टाइम है, उसका तो खाना बन गया, मेरा थोड़ा सा चावल है, तो सोचा एक ऑमलेट बना लेते, दूसरे सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा था। और अकेले के लिए तो हमेशा एक्सक्यूज ही चलता है, अकेले के लिए क्या खाना बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, डेली डेली मन नहीं करता है, तो वही बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। आज पूरा दिन ये क्या है, ये क्या है बोल बोल के दिमाग खराब, वो क्या किया? बोलो अभी हम हर्षिता मम्मी रेडी हो गया है, अभी सोने जाएंगे, ये नौटंकी शुरू हो गया है, चलो हम दोनों सो जाते हैं। गुड नाइट बोलो मामा, गुड नाइट, देखो हाँ हाँ गुड नाइट बोलो, देखो सबको गुड नाइट बोलो, हाँ हाँ न्यू हेयर स्टाइल। तो सब लोग सो जाइए, हम भी सो जाते हैं, मिलते हैं और एक ब्लॉग में। आज के लिए एनर्जी खत्म, इसका एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बोलो, लाइक हाँ, कमेंट वेरी गुड, शेयर वेरी गुड, सब्सक्राइब वेरी गुड। चलो मिलते हैं और एक ब्लॉग में, हमारी माँ बेटी का कोटा खत्म, अभी हम लोग बेड में जाएंगे, और ये अपने बाप भी बुला रहा है। चलो मिलते हैं और एक ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, सी यू इन अदर ब्लॉग।